एनवायरनमेंट जो है आजकल बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, और हम यहाँ लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस मकसद के लिए आए हैं कि कम से कम इनकी जो गुंडागर्दी है उसको रोका जाए। हमने रिक्वेस्ट किया है लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं काशिफ अनवर साहब कि आप, चूँकि वो पहले भी हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली रोल प्ले करते हैं, ताजरों के नुमाइंदे हैं, ताजरों की आवाज़ हैं, तो हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इसी मकसद के लिए हम यहाँ पे सारे दोस्त हाज़िर हुए हैं कि जनाब कम अज़ कम जो हमारे दोस्तों के साथ और स्माल इंडस्ट्री के साथ जो अकरबा परवरी हो रही है और जो पसंद और नापसंदीदा का जो मेयार चल रहा है, ये दोहरा मेयार जो है इसको ख़त्म किया जाए, और बल्कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, और जो बुरा काम कर रहे हैं ये हमारी एसोसिएशन तो ख़ुद उनके ख़िलाफ़ है और महकमा माहौलियात के साथ खड़ी है। तो हम इसी मकसद के लिए आए हैं कि कम अज़ कम आप सबको एक ही नज़र से ना देखें कि जो आपने सब के लिए मेयार मुकर्रर किया हुआ है, अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट किया जाए, और जो बुरा काम कर रहे हैं उनको भी हमारी कोशिश है कि इधर ही लेके आएँ कि वो भी अच्छा काम करें ना, तो थोड़े से मफाद की खातर ये मुल्क की फ़ा को के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज सारे जो है हमारी 3 एसोसिएशन माशाल्लाह यहाँ पे आई हैं, स्मॉल इंडस्ट्री भी, रावी रूडा भी, और इसी तरह ही हमारी ऑल पाकिस्तान स्टील मिल ट्रेडर एसोसिएशन भी। तो हमारे जनाब चेयरमैन साहब शेर गुजर साहब हैं, इनाम उल हक भट्ट साहब हैं, कामरान साहब हैं, हाजी साहब हैं, हाजी अरशद साहब हैं, ठीक है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए, उन्होंने हमें मौका दिया लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि हम मिल के जो है ये मामला जो है हल कर सकें इन्वायरमेंट का। जो डीजी साहब हैं उन्होंने हमें बहुत तंग किया है, बेफजूल में जो है नजायज़ लोगों को उन्होंने तंग किया और नजायज़ मिलें जो है सील की हैं, जिनके स्क्रबर्स भी इंस्टॉल हैं। तो काइंडली हम इसी सिलसिले में आए हैं कि आप हमारे साथ शफकत करें, क्योंकि आप पाकिस्तान की बेटी हैं, हमारी बहन हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपसे हमें अच्छी उम्मीद है, थैंक यू सो मच। माहौलियात की वो आपके सामने है, सबको बताया है कि एक ही मेरा तो एक ही मतालबा है अक्रॉस दी बोर्ड। ये चंद घर ऐसे हैं, मुकद्दस गाहें हैं, जिनकी तरफ इनको जाने पे इनके पांव जलते हैं, पर जलते हैं। तो वो जब तक नहीं होगा तो फिर दूसरे भी अपना जो लोग हैं ना वो कोशिश करते हैं हम भी किसी ना किसी तरीके से इस सहूलत को अवेल करें, मगर हम सब वो हैं कि जो अमल करने पे यकीन रखते हैं, और हमने इनके साथ पूरे 2 साल से मुकम्मल तावन किया, और बात आज यहाँ तक पहुँची थी कि इन्होंने हमको सर्टिफिकेशन करनी थी कि ये अदारा जो है ना इसके बाइलास की मुकम्मल पाबंदी कर रहा है, ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है, इनको सर्टिफाई किया जाता है। मगर आज ये सर्टिफिकेशन से यकदम फिर हम जो है ना 2 साल पीछे चले गए हैं, आज हमें फिर मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, और कानूनी तौर पे मशकूक बना दिया जा रहा है लोगों को कि जो कार्बन नहीं इस्तेमाल कर रहे उनको भी अपना कार्बन लिख के चलान कर दिया जाता है। इन्हीं का हर अपना महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद इनकी बारी दोबारा आ जाती है, इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। बात है मेरे यार, बात तेरी खैर। अच्छा ये बताएंगे अगर आपके मुतालबात नहीं मानते उसके बाद क्या आपका लाहेमल होगा? उसके आगे जो लाहे अमल होगा वो हम सब अपनी गवर्निंग बॉडी से मशावरत के बाद तय करेंगे। वैसे जनरली जो होता है उसके बाद फिर क्या कहते हैं एहतजाज ही रह जाता है, उसके अलावा क्या रह जाता है। तो इंशाल्लाह फिर अपनी रोटी रोजी के लिए अपने और अपने लेबर की क्या कहते हैं खानदानों के मफादात के तहफ़ के लिए फिर ये भी कर गुजरेंगे हम। और हम नहीं चाहते कि मुल्क में पहले ही पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, और हम कोई अपनी 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद खड़ी करके हम भी एहतजाज शुरू कर दें। हम बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले और इसमें मुआशी और सनती सरगर्मियाँ जो हैं अरूज पाएँ और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। वो एक अपना आखिरी हाल होगा, हम अपना कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करें, क्योंकि पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है, वो कि
माइनर सी अपना मिस अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई किसी स्टेज पे, मगर ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहे थे। और मैंने आपको दो बार पहले गुजारिश की कि अब हमारे अदारों को उन्होंने सर्टिफिकेशन करनी थी कि ये अदारे सही हैं, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, मगर क्या कहते हैं, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। हम दुआ करते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। अच्छा। सर ही कोई ऑफिसर नहीं है ऑन ग्राउंड, जो फील्ड में ऑफिसर हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, उनको तमाम हकायक का पता है, वो एक एक अदारे की कार्रवाई से अपना मतलब है। सिर्फ ये ऊपर की लेवल पे जब आते हैं, नई स्लॉट आती है, पहले जब आए थे उस्मान अली खान साहब, उन्होंने भी बड़ी अपना की थी बातें, गुजर गया वो वक्त, वो भी कहते थे कि स्टेट के आगे खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है, यानी कि वो हमको एक पाकिस्तानी की सीए से डील नहीं कर रहे थे, वो किसी उनकी कुछ और अपना पैरामीटर से। तो कहने का मतलब है वो तो चले गए, हम यहाँ भी आज भी यही हैं, वो किसी वक्त दोबारा चीफ सेक्रेटरी बन के भी आ जाएंगे ना, हमने फिर भी यही रहना, हम अपना लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हमने तब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, अब भी नहीं करनी और आने वाले वक्त में भी नहीं करनी। ये सिर्फ अपना ऊपर से इनको ऑर्डर आते हैं, ये अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए, वो पुराना घिसा पिटा तरीका, आईजी साहब ने अपना सीसीपीओ को कह दिया, उसने एसपी को कह दिया, अपना एसएचओ ने नीचे अपना पकड़ के 10-20 अपना फोटो में ऊपर सेंड कर दी, जी पकड़ लिए मनमान हो गया।